अपनी जगह बताऊँगा जो गाँव की इस साइड में, जैसे ही गाँव में ये जो रोड है मैं आपको बता रहा हूँ, बाणा मार्ग इसको बोलते हैं, सदरपुर से बाणा मार्ग। और अब इस टाइम इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इसे बने हुए, दोबारा रिपेयरिंग नहीं की गई है। और इस साइड में गौशाला है, डांड रोड है, बोड़िया रोड, फतेहबाद रोड आप बोल सकते हो, इधर जो है कई गाँव में निकलता है सीधा डांड भी निकलता है, और बोड़िया होते हुए भी फतेहबाद जो बना, बोड़िया के बाद डांड बनारी फतेहबाद का जो रास्ता है वो भी इधर है। और मेरे बैक साइड में ठीक गौशाला, और मैं सदलपुर जैसे कि आपको पता है कि डाकखाने में जा रहा हूँ। तो ये जो है वो नज़ारा है गांव सदलपुर का, वो आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हो। इधर खड़ की फैक्ट्री है श्री बालाजी इंडस्ट्रीज, पौष्टिक पशु आहार सदलपुर का, पौष्टिक पशु आहार आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। आज हो सकता है भाई जो इलेक्शन जो चल रहा है उसके चलते पंचायत इलेक्शन सतपाल का चुनाव कर लिए हैं सतपाल पूनिया, इधर सरपंचायत इलेक्शन जो चल रहे हैं उसमें टेंट लगा रखा है, और ये सतपाल पूनिया जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं सरपंचाई का, और डेरा सदलपुर का कई साल पुराना है, अमरानंद जी महाराज यहाँ जो है वो गद्दी पर आसीन आप बोल सकते हो आप जो संभाले हुए हैं डेरा की तमाम गतिविधियाँ अपनी जमीन पर। और ये जो रास्ता जो इधर गया है वो खैरमपुर का रास्ता है डेरे के सामने से, और आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर सदरपुर गांव जो है इसकी बाईपास पर मैं हूँ, और हम डाकखाने में मैं जा रहा हूँ इस वक्त बाइक लेकर के, अपना डाकखाने पर हम जा रहे हैं। इधर छिम्पा समाज की धर्मशाला का निर्माण हुआ है, छिम्पा समाज की धर्मशाला एक जो है वो बनेगी, यहाँ स्टेडियम के बनने की संभावना है, खेल का मैदान सदरपुर का बहुत अच्छा बताया जा रहा है, एक दिन स्पेशल टाइम निकाल करके खेल के मैदान के ऊपर एक इंटरव्यू भी होगा, जो संचालन जो कर रहा है यहाँ पे देख रेख कर रहा है उनका इंटरव्यू, तमाम बच्चों का इंटरव्यू होगा वो करेंगे इसी संदर्भ में आपको डालेंगे। तमाम बहुत अच्छा जो है खेल मैदान बड़ी मेहनत से बनाया गया बताते हैं। इधर एक रास्ता जो है जा रहा है साड़ियों की डाड़ी में, ये दादी गौरी का मंदिर मावड़िया मंदिर माता मंदिर दादा के दरबार मावड़िया का जय माता दी का मंदिर है। ये जो सदलपुर का जो बाईपास आप देख रहे हो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि अभी बना है मात्र 6 महीने बाई इलेक्शन से पहले जो है वो ये बना है नया, यहाँ पर बिजली बोर्ड बिजली घर दक्षिण हरियाणा बिजली बोर्ड निगम की तरफ से बिजली घर, और इधर वाटर वर्क्स साथ में छोटा सा पार्क वाटर वर्क्स, ये आप गाड़ियाँ देख रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि जल्द ही पहुँचने वाले हैं, जैसे अड्डा है उसके ऊपर डाकखाना है, ये तमाम गाड़ियाँ जो सदलपुर की फैमिली पर है, और रिक्वेस्ट भी सब्सक्राइब करें ये गाँव में जो है वो इस प्रकार की स्क्रीन पर है। इन गांव के विकास के लिए अपना एक एक वोट डॉक्टर विनोद रोटी को देकर। ये रामदेव जी मंदिर है सदलपुर गांव का, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर किस प्रकार से जो है डाकखाने में जाने के बाद मैंने देखा ये पेट्रोल पंप, दो पेट्रोल पंप सदलपुर में बन चुके हैं, और ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है, दो मुख्य गेट है इसके, और बहुत ही सुंदर रामदेव जी मंदिर है बस स्टैंड पर सदलपुर में। और ये सदलपुर का जो है जैसे हम गांव में एंट्री करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से सदलपुर गांव के अंदर जो है मेन गेट है उसको किस तरीके से होल्डिंग से फिलहाल होल्डिंग जो है वो लगे हुए हैं, किस प्रकार के होल्डिंग लगातार इलेक्शन के है, जिला परिषद से भाई इंद्र पूनिया का होल्डिंग और तमाम अन्य जो है उनके भी होल्डिंग किस प्रकार से लगे हुए हैं। ये अड्डे की स्क्रीन की आप जो है वीडियो वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। तो ये जो है लेटर गूगल की तरफ से अमेरिका से मेरे पास लेटर आ गया है आप सभी का,
सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ये आप लगातार देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। अब मैं इसको खोलूँगा और उसके बाद क्या कुछ है वो आपको बताया जाएगा। तो मैं डाकखाने के अंदर पहुंच चुका हूं और जैसा कि जो है अमेरिका से मेरा लेटर जारी हुआ है। सभी जो सहयोग करने वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप सभी के समर्थन से, आपके प्यार से, आपके सहयोग से जो अमेरिका से मेरा लेटर है वो जारी हो गया। मैं डाकखाने में पहुँच चुका हूँ। ये मेरे मामा जी है रोहतास जी करीर, जो डाकखाना में यहाँ की तमाम सुविधाएँ देखते हैं, और उनके माध्यम से और आप सभी के सहयोग से जो मेरा लेटर है वो जारी हो गया और लेटर मिल गया है। मैं अपने हाथ में लेटर ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।